हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, हम बात कर रहे हैं 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 में विमाओं के अनुप्रयोगों की। और विमाओं के अनुप्रयोग में भी हम पहला अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं, सूत्र की सत्यता की जांच करना। दूसरा अनुप्रयोग हमने पढ़ लिया है, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। और चर्चा तीसरे अनुप्रयोग पर चल रही है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि किसी भौतिक राशि का मान आपको एक पद्धति में दिया जाए और आप उसको दूसरी पद्धति में कन्वर्ट कर पाओ। इसी क्रम में मैं कई क्वेश्चंस तो आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, ठीक है ना। अब उसी क्रम में और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो क्वेश्चन कराए हैं वो आपको सब क्लियरली समझ में आए होंगे। कल तक आपने देखा कि अक्सर कल के क्वेश्चन क्या थे कि मैं आपको एम के एस में वैल्यू दिया करता था और सी जी एस में पूछ रहा था। फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको ये भी करवाया था, पहले मैंने आपको न्यूटन को डायन में चेंज करवाया, याद करो। फिर मैंने आपको एक न्यूटन 10^5 डायन आए थे और एक डायन में पूछ ले तो 10^-5 न्यूटन हो जाएगा। फिर मैंने आपको एक जूल को अर्ग में चेंज करवाया था, एक जूल में 10^7 अर्ग आए थे। फिर आपने एक क्वेश्चन रिवर्स भी किया था, आपने एक बार को पास्कल में चेंज किया था, 10^-1 पास्कल आया था, याद आया होगा आपको। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं, एक क्वेश्चन नोट करें आप जल्दी से। क्वेश्चन यह है, पारे का घनत्व, यह काफी फेमस क्वेश्चन है अपने आप में, पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो। भाई हमने मरकरी पारा लिया, पारे का घनत्व आपको दिया हुआ है 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो तो। एक अन्य पद्धति जिसमें द्रव्यमान को किलोग्राम कॉमा लंबाई को मीटर में मापा जाए, मतलब एक पद्धति में तो इसका द्रव्यमान जो घनत्व है वो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, और एक अन्य पद्धति की बात करवा रहा है जिसमें द्रव्यमान को किलोग्राम में और लंबाई को मीटर में मापा जाए, उस पद्धति में मान कितना होगा, घनत्व कितना होगा, ये क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ भी जाओगे। अब एक बार स्क्रीन पॉज करके आप इस पर विचार करके देखें, एक बार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कैसे डील करोगे। बच्चों सोचो जल्दी से, क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है, पहले समझ चीजों को। तो मैंने आपको एक बात कही थी, पहले आप खुद सोच के देखना फिर मेरा आंसर सुनना, भाई मजा तब है। मैंने आपको एक बात कही थी कि बच्चों सबसे पहले तो आप दो पद्धतियां छांटने का प्रयास करना। कल के जो क्वेश्चन थे मैं आपको सीधा बोलता था कि एम के एस में वैल्यू इतनी है तो बता सी जी एस में कितनी होगी, या सी जी एस में इतनी है तो एम के एस में कितनी होगी। आज मैंने डायरेक्ट नहीं बोला, इसे कहते हैं क्वेश्चन घुमाना, है ना। घनत्व का मान 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, यह आंकड़ा दिया है, कौन सी पद्धति में दिया है नाम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप मात्रक के पास तो चलो। मात्रक ने कहा साहब ग्राम और सेंटीमीटर, अच्छा ऐसी कौन सी पद्धति है, एम के एस ना मीटर किलोग्राम आता है, सी जी एस बिल्कुल आता है, सेंटीमीटर और ग्राम अंडर स्टूड है कि आपको वैल्यू सी जी एस पद्धति में दे रखी है, एक पॉइंट। चलो साहब ये तो हमें समझ में आ गया, मात्रक से पहचान करके कौन सी पद्धति मान दे रखा है। फिर सिर्फ दूसरी पद्धति का नाम भी नहीं है, पूछ किस में रहा है, एक अन्य पद्धति जिसमें द्रव्यमान को किलोग्राम में और लंबाई को मीटर में मापा जाए। बच्चों ऐसी कौन सी पद्धति है जिसमें द्रव्यमान नपे किलोग्राम में और लंबाई नपे मीटर में, एम के एस, बिल्कुल एम के एस। तो दे किस में रखा है, सी जी एस में, और पूछ किस में रहा है, एम के एस में। अब देखो थोड़ा कंफ्यूजन, अगर मैं सवाल को आपको फंसाना है मुझे तो बताए मैं सवाल को कैसे बोलता, समझना इसको भी समझ लो। मैं ऐसे बोल दूं कि एक ऐसी पद्धति जिसमें द्रव्यमान को किलोग्राम में
और लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाए, समझना, लंबाई को किलोग्राम में, सॉरी द्रव्यमान को किलोग्राम में और लंबाई को सेंटीमीटर में, फिर आप फंस जाते साहब। ऐसी कोई पद्धति नहीं है बच्चों, हमें एक नई पद्धति माननी पड़ती है। हाँ कैसे, मैं वो क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, आप देखें। तो जब पद्धति मान लेते हैं तो साहब, फिर तो हम एन वन लिखते हैं, यहाँ एम वन लिखते हैं, एल वन लिखते हैं, टी वन लिखते हैं, यहाँ भी एन एम एल टी, टू 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 टू। एन वन का मान है 13.6, इसका मान पूछ रहा है। एम वन इस पद्धति में मास ग्राम में है साहब, लंबाई सेंटीमीटर में, समय तो सेकंड में ही होता है, और यहां एम टू किस में है, सीजे एम के इसमें किलोग्राम में, लंबाई सेंटीमीटर में। अब देखो उसका जवाब सुनना, समझना, मीटर में यार क्या कर रहा है। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि एक नई पद्धति, जैसे द्रव्यमान तो किलोग्राम में है, लंबाई सेंटीमीटर में, तो आप यहां लिखते नई पद्धति, नाम नहीं पता, लंबाई किलोग्राम में, द्रव्यमान किलोग्राम में और लंबाई सेंटीमीटर लिखना पड़ता फिर आपको यहां। नई पद्धति बना, और भी कुछ बोल दे यार, कुछ भी बोल दे, वो चीज ही लिखनी है आपको फिर यहां पर। क्लियर, कौन सी राशि चेंज करनी है साहब, घनत्व चेंज करनी है, तो घनत्व की विमा भी बोल दो जरा। घनत्व का सूत्र ना पता हो मात्रक से देख ले यार, ग्राम मतलब द्रव्यमान, सेंटीमीटर क्यों मतलब आयत, द्रव्यमान के ऊपर कितनी आएगी एम वन, और सेंटीमीटर क्यों नीचे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई एल माइनस थ्री, ऊपर जाएगी तो टी जीरो। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 0। सूत्र आपको एन टू का निकालना है, एन टू इज इक्वल टू एन वन, एम वन अपॉन एम टू की पावर ए, एल वन अपॉन एल टू की पावर वी और टी वन अपॉन टी टू की पावर सी। बात समझ में आई के नहीं आई, यहां तक चीजों को फील करो भाई, यहां तक इन चीजों को फील करो, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सारे आंकड़े पुट कर दो आप। एन टू बराबर एन वन कितना है 13.6, एम वन कितना है ग्राम, एम टू कितना है किलोग्राम की पावर 1, अब तो कुछ नहीं करना है यार, सेंटीमीटर मीटर की पावर कितना, बी का मान -3 और सेकंड बटे सेकंड की पावर 0, वैसे भी कट जाता है, कोई रोल ही नहीं है इसका। तो एन टू बराबर 13.6 ग्राम, तो ठीक है किलोग्राम में 1000 ग्राम की पावर 1, मीटर में 100 सेंटीमीटर की पावर -3, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया। एन टू बराबर 13.6, थोड़ा दिमाग लगाइएगा बच्चों, नीचे 10 की घात 3 है, इसे ऊपर लेके आऊंगा तो 10 की घात -3 और ऊपर घात 1 चल रही है, 1/100 है, ऊपर जाएगा 10 की घात -2 की घात -3। थोड़ा सॉल्व करके देख लो इसको, 13.6 10 की घात -3 आएगा, डबल घात गुणा करूंगा तो, और इसका गुणा करूंगा तो 10 की घात +6 आएगा बच्चों, और जब इनको ऐड करोगे आप एन टू बराबर, तो 13.6 × 10³ -3 + 6 3। और रही बात मात्रक की, तो ग्राम का स्थान कौन ले लेगा किलोग्राम, और सेंटीमीटर का स्थान कौन लेगा मीटर क्यूब। इट इज योर आंसर। उम्मीद करता हूं कि बहुत ढंग से अब आपको, चूंकि कल का लेक्चर आपने अच्छे से देख रखा है, तो आज के इस लेक्चर में अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, अगर आपने कल का लेक्चर पढ़ा है तो। नोट करो, ठीक है, नेक्स्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, अब तो आपको है ना बहुत हल्के में लगने चाहिए। और कोई अच्छा सा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं भाई, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, साफ कर दो इसको,
आप जब तक लिख रहे हैं तो लिख लो, से मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन ये है कि गुरुत्व भी है, त्वरण का मान मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब बच्चों आप एक बार नोट करते जाएं ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि यदि लंबाई को किलोमीटर में और समय को मिनट में मापा जाए तो जी का नया मान क्या होगा। यदि लंबाई को किलोमीटर तथा समय को मिनट में मापा जाए तो जी का नया मान क्या होगा। समझिए भाई, अगर ये क्वेश्चन आपसे हो गया ना तो ये मानना कि मेरी गारंटी है आप नहीं हटकोगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक हिंट भी दी थी, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया तो फिर आप कंफर्म कहीं भी नहीं हटकोगे। देखिए बच्चों, देखो एक बात बता दूं, मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूं, एक एक दो दो क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल है, क्योंकि आप और कहीं देखना कोई भी वीडियो आप देखोगे मेरी गारंटी है हर तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बस एक जैसा क्वेश्चन कराया और आगे बढ़ गए, एक्चुअल में 11th के लेवल पर है भी नहीं है, फिर भी हम पढ़ रहे हैं, पूरा ढंग से पढ़ेंगे। सूत्र सही करने में कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से बन सकते हैं, मैंने हर एक क्वेश्चन करवाया है। यहां भी मैं प्रयास करूंगा कि कुछ भी ना छूटे, जो बच्चा मेरे से पढ़े मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि वो 100% चीजों को समझे, ठीक है ना। चलिए बच्चे, फिर अपन ये जब टेस्ट हो जाएगा तो ये छोटी चैप्टर हो जाएगा तो अपन टेस्ट लेंगे, है ना, तैयार रहना। किसी भी दिन टेस्ट अनाउंस कर सकता हूं मैं, पूरा कंप्लीट पढ़ के रखें अपना। सॉल्यूशन देखिएगा इसका, मैंने कहा दो पद्धतियां छांटनी पड़ती हैं। पहली पद्धति संख्या से देखो, 9.8 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, मीटर और सेकंड मतलब एमकेएस, जो मान दे रखा है वो तो है एमकेएस पद्धति। समझ में आया भाई, लंबाई मीटर में नपी हुई है, मात्रक में देखो ना यार, समय सेकंड में और मीटर में, तो एमकेएस में नपती है। अब यदि एक नई पद्धति है जिसमें लंबाई तो नापी गई है किलोमीटर में, ध्यान रखना ये शब्द, लंबाई किलोमीटर में नापी गई है और समय मिनट में मापा गया है। अब बच्चों बताओ, जरा दिमाग लगाओ आप, कि ऐसी तो साहब कोई पद्धति आपने पढ़ाई नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ाई, मैं खुद ही कह रहा हूँ, कोई होती भी नहीं है जिसमें लंबाई को किलोमीटर में समय को मिनट में मापा जाए, कोई नहीं होती, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख दो नई पद्धति। कोई नई पद्धति रही होगी हमें पता नहीं है। अभी लंबाई को सेंटीमीटर में नपाता, अब ये सवाल ऐसे होता सपोज कि लंबाई सेंटीमीटर में मापी जाए, समय सेकंड में मापा जाए, तो आप तुरंत सवाल को सीजीएस बना देते नई पद्धति को। पर अब ऐसी कोई भी पद्धति, कुछ भी ले लूं यार जो मुझे मन करेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको तो मैंने लॉजिक क्या सिखाया कि दो पद्धति छांटो, जिसमें मां दे रखा है वो पहली हो सकता है, नई पद्धति पहली रही हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जिसमें पूछे वो दूसरी। इसलिए कहता हूं कि लॉजिक सीखो, रटोगे तो एक, ये साइंस है भाई, एक शब्द बदल कर मिनट को सेकंड कर दे, पूरा का पूरा क्वेश्चन गया आपका, गारंटी है। समझ रहे हो, तो चीजों को फील करो। मैंने आपको लॉजिक क्या बताया, मैंने इसलिए जो पहला क्वेश्चन समझाया था उसमें आधे घंटे लिया था कल, कि ढूंढो दो पद्धति जिसमें मान दे रखा है वो पहली और पूछ रहा है वो दूसरी। मान ये दिया हुआ है, मैंने कहा यार मीटर एमकेएस है, 100% एमकेएस लिख दिया, यहां मीटर मिनट स्क्वायर होता तो ये भी कोई नई पद्धति, नई पद्धति एक, नई पद्धति दो, ऐसा कुछ मान लेता, कुछ भी हो सकता है बच्चों, है ना। अब सेम सिस्टम रहेगा, एन भी आएगा, एम आएगा, एल आएगा, टी आएगा, और यहां भी एन आएगा, एम आएगा, एल आएगा और टी आएगा। यहां पर 1111 लगा देंगे सब में, यहां पर 2 2 2 लगा देंगे सब में, ये सब में कॉमन चलता है। क्या मान दे रखा है साहब, 9.8, ये मैंने आपको लिखा है एक बार। अब एम के एस पद्धति है
तो मास किसमें नपेगा? केजी में। लंबाई किसमें नपेगी? मीटर में। और समय किसमें नपेगा? सेकंड में। एन टू निकालना है। अब नई पद्धति में मास किसमें है, द्रव्यमान किसमें है? समझने वाली बात तो यहां है साहब कि द्रव्यमान तो चर्चा में है ही नहीं है। अब फंस गए ना कि देखो साहब, आपने कहा नई में लंबाई तो किलोमीटर में है, मतलब ये लंबाई तो किलोमीटर बन जाएगी। समय मिनट में है, ये मिनट बन जाएगा। पर साहब जी द्रव्यमान कहां से लाओगे? तो बच्चों ऐसे सवाल में देखना आप द्रव्यमान काम ही नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। आप डैश लगा के छोड़ दो, कहीं सवाल पढ़ने के बाद नई पद्धति में देखो ये पद्धति कौन सी है मुझे खुद ही नहीं पता है। किलोमीटर मिनट कोई पद्धति नहीं है, ये तो जुगाड़ किया है इसने। तो द्रव्यमान का क्या जुगाड़ किया होगा मुझे क्या पता है? ग्राम बोल दे, अभी किलोग्राम बोल दे, नहीं पता तो कम मत लगाना, खाली छोड़ देना, कोई टेंशन नहीं। किस राशि को बदलवा रहा है बच्चों? गुरुत्वीय त्वरण को बदल रहा है। तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा, और त्वरण का सूत्र क्या होता है भाई साहब? त्वरण का सूत्र क्या होता है बोलना देख। विस्थापन सॉरी वेग बटे समय। विमा आपको याद होगी, मैं सीधा रख दूं, एम जीरो एल वन टी माइनस टू। मात्रक से बना लिया करो यार, मीटर की तो लंबाई, समय के नीचे दो, ऊपर आएगा तो माइनस टू। देखो द्रव्यमान काम का ही नहीं है, घात जीरो आ रही है, आप समझ चुके होंगे शायद। सूत्र क्या लगाता हूं भाई मैं हमेशा साहब, एन टू बराबर एन वन, एम वन अपॉन एम टू की पावर ए, एल वन अपॉन एल टू की पावर वी, और टी वन अपॉन टी टू की पावर सी। क्लियर? ये सारे आंकड़े जमाओ इसमें। एन टू बराबर एन वन ढूंढो कहाँ है, 9.8, एम वन कहाँ है, एम वन किलोग्राम, एम टू पता ही नहीं है छोड़ दो, कि घात कितनी है जीरो, आप समझ गए होंगे बच्चों। अरे इसकी घात जीरो है, नीचे कुछ भी आया आएगी तो वैल्यू वन ना, समझे? सवाल अपने आप में बिल्कुल सही होता है, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट एल वन कहाँ है साहब? एल वन मीटर में है साहब, और नीचे किलोमीटर की पावर वन। और अब समय की बात करता हूं, टी वन किसमें है? सेकंड में, और टी टू किसमें है? मिनट में, की घात सी माइनस टू, ए बी और सी। सारे आंकड़े मैंने जमाए भाई, तो क्या प्राप्त किया? 9.8। इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, इसको तो हटा दो लिस्ट में से। आके देखो मीटर, हजार मीटर, एक किलोमीटर में आप जानते हो किलो के आ गया ना, 10^3 सेकंड, और एक मिनट में मुझे उम्मीद है सब जानते होंगे 60 सेकंड होते हैं। मीटर ने मीटर को मारा, सेकंड ने सेकंड को मारा, मीन्स एन टू बराबर 9.8। सोचना 1000 को तो ऊपर ले जाओ, 10^-3 घात एक। देखो 60 को आप, 60 का माइनस टू हो रहा है ना, ध्यान से देखना, माइनस टू, 1/60 के बाहर माइनस टू है। 60 को मैं ऊपर ले गया तो क्या एक तरीके से 60 घात माइनस एक आ गया, और ऊपर घात कितनी है? माइनस टू। फिल करो तो क्या आपको ऐसा लगा 9.8 गुणा 10^-3 गुणा माइनस एक का माइनस दो से गुणा करो बच्चों, दो आएगा, 60 ही घात दो दिख रहा है, मतलब 60×60 दिख रहा है, समझ में आया? तो एन टू बराबर देखो ध्यान से, ऐसा करो दो जीरो तो यहां भगा दो, 10^-1 बच गया एक तरीके से, 6×6 कितना आया? 36 का 9.8 से गुणा करना कितना आएगा? 8×48 हासिल 4, 8×3=24 और 4×28 9×6=54 के 4 हासिल 5, 27×5 28×29=30 31×32 कितना बचा? 8, 2, 5, 3। और पॉइंट कितने अंकों के बाद लगाना है? एक तो ये रहा और एक माइनस यहाँ से बचा हुआ है 2, मतलब ये संख्या आएगी आपकी 35.28। रही बात मात्रक की, तो मीटर का स्थान नया मात्रक कौन लेगा? किलोमीटर,
और सेकंड स्क्वायर का स्थान कौन लेगा? मिनट का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। कितना आंसर आया? नई पद्धति में जो मात्रक आया वो कितना आया? 35.28 किलोमीटर प्रति मिनट का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, नोट करो। ठीक है भाई, ये आप नोट कर लो, है ना। अब देखो एक और शानदार क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, देखो अगर आप नहीं देखोगे और एग्जाम में अचानक आ जाएगा ना तो आप कंफर्म गलती कर दोगे भाई, समझिएगा। देखो इनको सॉल्व करने की एक ट्रिक भी है, लास्ट में आपको आज एक ट्रिक भी बताऊंगा। अगर कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हो तो आपको इतना लंबा चौड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर पहले पूरा पैटर्न सीखें, ट्रिक बाद में। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक अश्वगंधि में वाट मात्रकों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन है कि एक अश्वगंधि में वाट मात्रकों की संख्या ज्ञात करो, और कुछ ब्रैकेट में दिया हुआ है कि एक अश्वशक्ति किसके बराबर है? कुछ 550 × 32 फुट पाउंड पर सेकंड। यही है क्या? फुट पाउंड पर सेकंड। हाँ, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना भाई, ना समझिए। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अच्छे अच्छे बच्चे फंस जाएंगे, मेरी गारंटी है। विश्वास ना हो तो जिस बच्चे ने कहीं और पढ़ के देखा हो उससे क्वेश्चन करवा लेना, नहीं होगा, गारंटी देता हूँ ना। आप ध्यान से देखना, प्रयास करेंगे पूरा, और अगर आपने सच्चे मन से देखा ना तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन है वैसे ही, आपकी जानकारी बता दूं कि बेमाओं में लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में बेमाएं खत्म करने वाला हूं। हमारा तरीका क्या कहता है कि सर जी सबसे पहले तो दो पद्धति ढूंढो, एक जिसमें मान दे रखा है, दूसरा जिसमें मान पूछा गया है। तो मैंने सोचा कि देखो एक अश्वशक्ति यह मात्रक मुझे दे रखा है, मैं बाट मात्रकों की संख्या ज्ञात करनी है। बाट शक्ति का जो मात्रक है बाट, वो एम के एस पद्धति में, आपको याद रखना चाहिए। शक्ति का जो मात्रक है बाट, वो एम के एस पद्धति में है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि सर जी देखो कुछ भी हो ज्ञात आपको एम के एस में करना है। समझिएगा ध्यान से, पूरा दिमाग और पूरी सच्चे मन से देखना भाई। ज्ञात तो सर जी एम के एस में करना है, कैसे पता चला? इसने कहा बाट मात्रक ज्ञात करो, और शक्ति का जो मात्रक है वाट, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा 100 वाट 200 वाट, ये मेन मात्रक मतलब एम के एस मात्रक है, निकालना तो एम के एस में है। अगर यहां पद्धति और पता चल जाए फिर तो मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, फॉर्मेट तैयार कर लूं पहले। ये लो ये तो ज्ञात करना होता है, ये मास केजी में, लंबाई मीटर में, समय सेकंड में, देखते हैं। और शक्ति की बात करवा रहा है, विद्युत शक्ति है एक तरीके से। शक्ति का सूत्र P बराबर W अपॉन T, P बराबर W अपॉन T, ये तो होता है। तो W की वैल्यू कितनी? m1 l1 t-2, m1 l2 t-3 इसकी वैल्यू होगी। तो जो A का मान आने वाला है वो 1 आएगा, बी का मान आने वाला है वो 2 आएगा, सी का मान आने वाला है वो -3 आएगा। सूत्र आप n2 का लगाओगे, n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर v, और t1 अपॉन t2 की पावर c। यहाँ तक तो साफ सब ठीक है, पर
प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आती है कि ये अश्वशक्ति कौन सा मात्रक है, अश्वशक्ति कौन सी पद्धति मात्रक है। तो आप सोच रहे होंगे CGS में, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। FPS में तो भी आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। बच्चों अश्वशक्ति इसका कोई स्टैंडर्ड मात्रक है ही नहीं है, अश्वशक्ति इसका कोई स्टैंडर्ड मात्रक नहीं है, पहली बात। पर जरा नीचे देखूं कि अश्वशक्ति की जगह पर, एक की जगह पर आप ये वाली संख्या लगा सकते हो फुट पाउंड सेकंड में। फुट पाउंड सेकंड का मतलब है आपको बच्चों FPS पद्धति के बारे में जानकारी दी हुई है। पर एनमन का मान एक ना जमा कर, एक नहीं जमेगा, ये बड़ा वाला जमेगा, 550 इंटू 32। अब यूं समझो कि आपने अश्वशक्ति फुट पाउंड सेकंड में कर, वैसे यहां पाउंड का स्क्वायर होना चाहिए देखो मात्र, क्योंकि लंबाई इसमें एक है, मास सॉरी फुट के ऊपर दो जाएगा, फुट का स्क्वायर, क्योंकि लंबाई दो है ना, और नीचे सेकंड की घात -3 आएगी, पर नीचे तो 3 आएगी, सही मात्र की है, किताब में मिस्टेक है, अब थोड़ा सही कर लेंगे इस चीज को, है ना। सुनना, अश्वशक्ति तो कोई मात्रक नहीं है, इसलिए इसने एक वैल्यू दी कि अश्वशक्ति में इतना फुट पाउंड सेकंड है। तो मैंने अशक्ति ना लिखकर मैंने सवाल यहां से उठाया, फुट पाउंड सेकंड मतलब FPS में है। अब सुनना, यहां लंबाई, यहां लंबाई, द्रव्यमान किस में नापा जाएगा, पाउंड में, लंबाई किस में नपेगी, फुट में, और समय किस में नपेगा, सेकंड में। क्या दिक्कत आएगी, यहां तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। एक बार चेक करें, एक बार चेक करें, हमारा तरीका कहता है कि भाई दो पद्धतियों पर विचार करेंगे, एक पद्धति में मान दे रखा होगा, दूसरी पद्धति में मान पूछेगा, है ना, फिर अपन उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। सवाल को देख के समझ में आया कि यार अश्वशक्ति ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट ना दे तो आप इस सवाल को किसी भी हाल में नहीं कर सकते। बच्चों अगर इसमें मान जमाया जाए, थोड़ा सॉल्व करके देख लो, चूंकि फुट पाउंड सेकंड का पहली बार क्वेश्चन आया है हमारे सामने, एन वन कितना है, 550 गुणा 32। M1 पहली पद्धति में मास किस में है, पाउंड में जमाओ भाई, M1 की जगह आप जमाओ पाउंड, M2 की जगह आप जमाओ किलोग्राम, की घात कितना आएगा बच्चों, 1। B क्या लेंथ किस में है, फुट में, यहाँ किस में है, लेंथ किस में है, मीटर में, की घात 2 जमाओ, और सेकंड बटे सेकंड की घात -3, जो काम का ही नहीं है, कट जाएगा। अब समझें, बहुत से फुट पाउंड की नॉलेज नहीं होगी, 550 गुना 32। बच्चों देखो, इन दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे हम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पाउंड जो होता है लगभग आधी किलो होता है, लगभग आधी किलो, ऐसे दिमाग में रखना, 453.6 ग्राम। जो अपना 1 पाउंड है, जो अपना 1 पाउंड है, ये 453.6 ग्राम आता है, और जो 1 फुट है ये 30.48 सेंटीमीटर आती है। देखो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि साहब 3 फुट का 1 मीटर बनता है, सुना है आपने, सर लगभग 3.25 फुट का बनता है, वैसे तो 3 से गुणा करूंगा तो 90 सेंटीमीटर हुआ, जबकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 3.25 फुट का लगभग 1 मीटर बन जाता है, ग्रामीण भाषा में काम करते हैं। ये आपको आंकड़े पता होने चाहिए बच्चों, पाउंड और ग्राम, फुट आप अलग से कॉपी के ऊपर नोट कर लोगे कि एक फुट में 453.6 ग्राम है, किलोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट किया था, कट जाए, और एक पाउंड में 453.6 ग्राम है, और 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर है। अब तो सॉल्व हो गया, यहाँ की घात 1 और यहाँ की घात 2, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये देखो 550 गुणा 32 गुणा घात ये कहना, तो ऊपर से तो 453.6 और नीचे से 10 की घात -3 आएगा। एक्चुअल में तो नीचे 10 की घात 3 आ रहा है, पर ऊपर आने के बाद में -3 हो जाएगा। और इसकी बात करें तो बच्चों देखो 30.48 गुणा 10 की घात 2 ऊपर गए तो -2 और -2 का 2 से गुणा किया तो -4। अब देखो संख्याओं को इकट्ठा कर रहा हूं मैं,
यहाँ से सिर्फ मैंने 55 लिया है, 55 गुणा 32, ये जीरो मैंने यहाँ खपा दी, 453 6, 30.48 गुणा 10 की घात माइनस 7। अब आप ये देखो गुणा भाग करते रहना, मुझे पता है 746 वाट आएगा, क्योंकि एक हॉर्स पावर में आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, मोटर की शक्ति नापते हैं ना, 1 HP 2 HP, 746 वाट ही आता है। यहां तक आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए, आप आराम से कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट समझिए, अगर मैं अगली बात करूं, यहां पर आपकी बीमारी खत्म है भाई, पर मैंने बता कहता है भाई एक ट्रिक भी सिखाऊंगा वो सीखो, इसको आप आराम से नोट करो जल्दी से, इसका साइड में हो गया, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, समझिए ट्रिक में अपन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकंडों का खेल है, थोड़ा दिमाग लगाएं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि एक न्यूटन को डायन में बदलो, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, डायन में बदलो। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि साहब न्यूटन तो बल का एमकेएस मात्रक है और डायन सीजीएस मात्रक है, बिल्कुल आंसर देखना, आपको दिया गया है बराबर 1 न्यूटन। तो बच्चों आप इस न्यूटन को है ना एम द्रव्यमान मतलब मीटर किलोग्राम और सेकंड के रूप में लिखो, ये बात कैसे, आपको बल की बीमा तो आती है, बल की बीमा क्या कहती है, m1 l1 t-2, सुनना, F = 1, m का मतलब होता है मास, न्यूटन एम के एस मात्रक है तो मास का स्थान लेगा किलोग्राम की घात 1 है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर और टाइम का मात्रक होता है सेकंड, ऐसे लिख सकते हो क्या, दोबारा चेक करो बच्चों, आपको दिया हुआ था कि 1 न्यूटन को डायन में चेंज करो, आपने 1 न्यूटन लिखा और इस न्यूटन को आपको बच्चों द्रव्यमान किलोग्राम समय इन 3 चीजों में लेके आना पड़ेगा हमेशा। तो उसकी क्या ट्रिक है, रटेंगे हम कुछ भी नहीं, बीमा हमें याद चाहिए, m1 l1 t-2, m का मात्रक, m मतलब मास का मात्रक किलोग्राम, l का मीटर, s का सेक्टी का सेकंड। अब आप यहीं CGS में कन्वर्ट कर दो सब चीजों को, 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ ना, तो 3 जीरो और 2 जीरो घात एक है ना, 5 जीरो मतलब 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर, सेकंड की घात माइनस 2, जिसे आप आगे चल के डायन कह दोगे, खत्म सवाल है, लो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो इस तरीके से आपको आंसर लेके आना है, 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डायन। उल्टा क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि 1 डायन को, एक ही सवाल कराऊंगा फिर आप करते रहना आराम से, न्यूटन में बदलो, ये इजी है बिल्कुल यार, देखना बल आपको दिया हुआ है साहब 1 डायन, डायन सीजीएस मात्रक है, बल्कि तुरंत बीमा लिख लेना, m1 l1 t-2, सीजीएस मात्रक मीट, m मतलब मास, मास का सीजीएस ग्राम, लेंथ का सीजीएस सेंटीमीटर और टाइम का तो सेकंड ही रहेगा, ग्राम में 10 की पावर -3 किलोग्राम, सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर, थोड़ा सॉल्व करें ना, -3 और -2 10 की घात -5 आ गया, किलोग्राम मीटर सेकंड की घात माइनस 2, जिसे आप न्यूटन कह सकते हो, बात तो वही आया ना। अरे कैसे कर लो यार, इसमें कोई बड़ी वाली कोई भयंकर रॉकेट साइंस नहीं है, कन्वर्ट अगर बिना बड़े तरीके करना है तो छोटा तरीका तो बहुत ईजी है। तो इसी तरीके से आप जूल वगैरह बार वगैरह जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं
सारे आप खुद ट्राई करें, खुद दिमाग लगाएं, थोड़ी माता पच्ची भी करें। इसी के साथ में यहाँ पर आपकी बीमाएँ पूर्णतया समाप्त होती, ठीक है बच्चों? अब नोट कर लो, बाकी अपन नया टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है।